आइए नजर डालते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों पर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोरोना संक्रमण इस वक्त काफी तेजी से फैला हुआ है। इसे देखते हुए थाईलैंड सरकार ने हरियाणा सरकार को लेटर लिखा है कि कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए वह भी हरियाणा मॉडल अपनाना चाहते हैं। उसके लिए 21 अगस्त को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी गई है जिसमें हरियाणा के डॉक्टर अधिकारी और थाईलैंड के डॉक्टर अधिकारी शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हरियाणा के डॉक्टर और अधिकारी अपने अनुभवों को साझा करेंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक में कांस्य पदक नहीं जीत पाई, लेकिन उनके प्रदर्शन ने सबका दिल जीत लिया। टीम के शानदार खेल से प्रभावित होकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया है कि ओलंपिक महिला हॉकी टीम में शामिल हरियाणा की 9 खिलाड़ियों को सरकार 50-50 लाख रुपए पुरस्कार में देगी। हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल के लिए 6 करोड़ रुपए की राशि दे रही है। इसी प्रकार सिल्वर मेडल के लिए 4 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल के लिए 2.5 करोड़ की राशि का प्रावधान है। वहीं पहली बार चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी को भी प्रोत्साहन के तौर पर इनाम देने की घोषणा की गई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस बार सरकार ने चौथे स्थान पर रहने वाले हर खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए देने का फैसला किया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज शुक्रवार को अचानक पंचकुला के सेक्टर 5 थाने में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने थाने के सारे रिकॉर्ड को चेक किया और साथ में ड्यूटी पर मौजूद थाना प्रभारी ललित शर्मा को फटकार लगाई और उन्हें सस्पेंड कर दिया। साथ ही कौन कौन कर्मचारी कहां पर तैनात है विज ने उसकी भी जांच की। इसके बाद अनिल विज ने बिना इजाजत के गैर हाजिर 2 कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए। इसके अलावा सेक्टर 5 थाना में कार्यरत पुलिस कर्मियों को भी जबरदस्त फटकार लगाई। हरियाणा के पहलवान बजरंग पुनिया का देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने का सपना अधूरा रह गया। उन्हें सेमीफाइनल मुकाबले में अजरबैजान के खिलाड़ी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। बजरंग पुनिया अब शनिवार को ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलने उतरेंगे। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को बजरंग पुनिया ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीत लिया था। हरियाणा में कच्चे पक्के कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने सौगात दी है। प्रदेश में पहली बार मानव संसाधन विकास विभाग बनाया जा रहा है जो कर्मचारियों की भर्ती से लेकर तबादलों, सेवा नियमों में बदलाव और भ्रष्टाचार के मामलों सहित कर्मचारियों से जुड़े तमाम मामले देखेगा। वहीं सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया। मानव संसाधन विभाग मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा। हरियाणा का हिसार 17 महीने बाद कोरोना मुक्त हो गया है। गुरुवार को जिले में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई भी मामला नहीं है और साथ ही 3 संक्रमितों के रिकवरी होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। जिले का रिकवरी रेट 97.89% है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यह खबर राहत वाली जरूर है, मगर इसे लोग निश्चित ना हो क्योंकि अभी तक कोरोना मुक्त जैसा कुछ भी नहीं है। हम ढिलाई बरतेंगे तो यह फिर अपनी रफ्तार से बढ़ेगा। वीडियो डैक्स amarujala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।